नमस्कार, स्वागत है आपका एचएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जानवी यादव। क्या आपको याद है जब 2014 में यूपी सरकार के रसूखदार मंत्री आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी? जनाब, उस भैंस को खोजने में यूपी पुलिस का पूरा महकमा लग गया था। काफी मशक्कत के बाद आजम की भैंसें तो मिल गईं, लेकिन लापरवाही बरतने के आरोप में 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब एक दूसरा केस सुनिए। 2018 में हिंदमाता मिरर में बतौर प्रूफ रीडर कार्यरत अनिल पांडे का मोबाइल भिवंडी से चोरी होता है। निजामपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया जाता है, लेकिन आज भी उन्हें उनकी मोबाइल नहीं मिली और ना ही किसी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी अजीब तुलना है, तो जनाब थोड़ा इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए, मामला खुद ब खुद सामने आ जाएगा। दरअसल हाल ही में एनसीआरबी ने संपत्ति चोरी को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 5002 करोड़ रुपए की संपत्ति चोरी हुई, यानी हर दिन औसतन 14 करोड़ रुपए की संपत्ति चोरी की। लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा चोरी हुई संपत्ति की रिकवरी को लेकर है। 2017 में चोरी हुई संपत्ति से सिर्फ 26% ही रिकवरी करने में कामयाबी मिल सकी है, यानी कि चोरी हुई 74% संपत्ति का कुछ पता नहीं चल सका। चौंकाने वाली बात यह है कि मोबाइल या लैपटॉप की रिकवरी से ज्यादा कामयाबी गाय भैंस या अन्य पशुओं की रिकवरी में मिली है। एक से ज्यादा लाख चोरी हुए मोबाइल फोन या लैपटॉप जैसे गैजेट्स की रिकवरी का आंकड़ा महज 18% है, जबकि गाय भैंस जैसे पशुओं की चोरी के बाद रिकवरी इससे करीब दुगनी है, यानी 32% मामले में रिकवरी हुई है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी तरह खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।